तो सभी हैं, लेकिन जिस उम्र में नन्हे लाल ने पढ़ाई शुरू की वो हर के लिए मिसाल है। 68 वर्षीय नन्हे लाल फिलवक्त अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील अंतर्गत दरारा गांव के प्राइमरी स्कूल में क्लास 8वीं का एग्जाम दे रहे हैं। 68 साल के नन्हे लाल दे रहे हैं क्लास 8 का एग्जाम। बातचीत में नन्हे लाल ने बताया कि करीब 3 साल पहले वे ददरा गांव के जूनियर हाई स्कूल के ही पास में बाग में जानवर चरा रहे थे। उस समय स्कूल में बच्चों को पढ़ता देख उनके मन में भी पढ़ने की ललक जगी थी। नन्हे लाल शिक्षक असहर के पास पहुंचे और स्कूल में नाम लिखाने की जिद की। नामांकन में उम्र की बाधा आड़े आ रही थी, इसके लिए शिक्षक के बगैर नाम लिखे ही पढ़ने के लिए आने की अनुमति उन्हें उच्च अधिकारियों की मौखिक सहमति के बाद दे दी। नन्हे लाल बताते हैं कि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अभ्यास हो गया है, उन्होंने गणित विषय में काफ़ी महारत हासिल की है। साथ ही विद्यालय की ओर से निकलने वाली रैलियों में वो गीत भी गाते हैं जो चर्चा का विषय है। फिलवक्त नन्हे लाल परिषदीय स्कूलों में चल रही छमाही परीक्षा में बैठकर कक्षा 8 की परीक्षा दे रहे हैं। उनके इस कदम को देखकर हर कोई उनके जज्बे की तारीफ कर रहा है। इस संबंध में स्कूल के टीचर मोहम्मद असगर ने बताया कि करीब 2 साल से नन्हे लाल स्कूल में आ रहे हैं, जबकि उनके साथ के लोग रिटायर होकर घर आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल नन्हे लाल की शुरुआती दौर में शिक्षा इस कारण रुक गई कि लकड़ों ने उन्हें लकड़ बग्घे का डर और बन रहे पुल में बलिदान का खौफ डाल दिया था, इस कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। उन्होंने बताया कि पौड़ शिक्षा के तहत उन्हें शिक्षा दी जा रही है, किताब ड्रेस ये भी सब कुछ स्कूल से मिल रहा है, जबकि कॉपी आदि का खर्च टीचर मोहम्मद असगर स्वयं उठा रहे हैं। नन्हे लाल के पढ़ने की ललक को देखकर बीते साल BSA और DM उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। मेरा नाम नन्हे लाल। नन्हे लाल जी, इस उम्र में इतने छोटे बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हैं जी, आपको कैसा लग रहा है, कैसे प्रतीत हो रहा है? साहब, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अभ्यास हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत आगे बढ़ गया माइक में, और हम गीत गा सकते हैं, और जिला अमेठी तहसील मुसाफिर खाना ग्राम दादरा लिख लेते हो रहने वाले जी? हाँ साहब, लिख लेते हैं, जिला तहसील लगभग रुके रहिए, जितना पूछे उतना। बाकी बड़ी मजेदार है ये सकावट की टोपियाँ, बाकी बड़ी मजेदार है ये सकावट की टोपियाँ, ये टोपियन में ही बड़ा बड़ा गुण है, वो बड़ा बड़ा गुण है, ये टोपियन में ही बड़ा बड़ा गुण है, वो बड़ा बड़ा गुण है, झंडा कलियन समझाई हो ये सकावट की टोपियाँ, झंडा कलियन समझाई हो ये सकावट की टोपियाँ, बाकी बड़ी मजेदार है ये सकावट की टोपियाँ, बाकी बड़ी मजेदार है ये सकावट की टोपियाँ। जय हिंद जय भारत। कैसे मन में भावना आई, कैसे आप ये सोचे कि अब हमको पढ़ना भी चाहिए? साहब, आम की रखवाली में हम पहले बालेपन में जाता था राम सुंदर मास्टर के साथ में प्राइमरी स्कूल में, वहाँ जो है यही बच्चे के डर से वो कहीं लकड़ सुंघा का कहीं बलिदान देने वाले बड़ा हलचल था उस समय में पुल का, यही से हम साहब छोड़ दिया था। अब जो है यही उम्र में आम की रखवारी में यहाँ हम रहता था, असगर मास्टर के पास हमने आया था, हमने कहा था साहब कि हमको गुरु जी कुछ पढ़ा दीजिए, तो असगर मास्टर कहे हैं कि आइए हम तुमको पढ़ाएंगे, इसी पर से हम साहब पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा अभ्यास हमको बढ़ गया है, हम सब जिला तहसील लगभग स्टेशन ये सब हम पढ़ लेते हैं। ड्रेस वगैरह सब पाए, ड्रेस आपको कहाँ से मिलता है? हमको असगर मास्टर साहब दे रहे हैं। अब कापी किताब कहाँ से लाते हैं, अपने पास से लेते हैं, मास्टर साहब देते हैं? अरे साहब, सब हम ये दे रहे हैं, असगर मास्टर अपने पास से पढ़ा रहा हूँ, कपड़े उपड़े सब कुछ दे रहा हूँ, हमको रैली भी ले जाते हैं, रैली में हम भी गीत भी गाते हैं, बड़ी बड़ी रैली हम गाए साहब, बड़ी बड़ी रैली में गीत गाए। एक गीत गा के सुना दीजिए जी।